दो चीजें हैं, सिलेबस हम कैसे करें, आप तो करा रहे हो, हम कैसे करें। बच्चे एक चीज बता मुझे, टोटल सिलेबस कितने साल का है? सर 2 साल का। कितने चैप्टर हैं? 100 चैप्टर हैं। कितने महीने हैं? 9 से 10 महीने होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिलेबस कभी ना कभी पेस में तो होगा ही, तो तुझे बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे भी करके। सर हम कितना एडजस्ट करें? जितना ज्यादा तू कर सकता है, मेहनत कर पूरी। क्यों सर? अगर मान लो नहीं हो पा रहा है, कैसे नहीं होगा, तू लगा तो रहे कम से कम। अगर मेहनत नहीं करेगा तो बेटा वो वैसे भी नहीं होना, समझ इस बात को। मतलब ये समझ कि तेरे आसपास के लोगों को तेरी हार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन्हें जब पड़ेगा जब तू जीत जाएगा, मतलब तू जीत जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, तब उन्हें दिखेगा कि यार ये सिलेक्ट हो गया। अगर तू हार रहा है तो तेरे को तो वैसे भी वो नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, वो तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं समझते। खुद बताइए बात सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, उनके हिसाब से तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, या लास्ट ईयर 12th में भी मार्क्स कम थे, इस तरह की बातें हैं उनकी नज़रों में। और उनकी नज़रों में ये है कि यार हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, उससे तो कुछ होता भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी तो हैं तुम्हारे आसपास। तो तुम्हारे आसपास तो ट्रस्ट जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स का है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट तुम पर है ना, ये बना हुआ है, यही तुम्हें बेटा आगे लेकर जाएगा, है ना। ये डिफिकल्ट टाइम है और ये चलता है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मुश्किल टाइम होता है जब हम सिलेबस को ख़त्म कर रहे होते हैं। ये वो 4-5 महीने होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, और ये हर साल लगता है। और अगले साल जो सिलेक्ट होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, हमने वो छोड़ा नहीं था। अगर आप, मैं पूछूं आपसे कि कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हमारे 125 आए इस बार, मैं कहा क्यों ऐसा हुआ? सर लास्ट में जाकर हमसे हो नहीं पा रहा था। तो यार ये तो तुम्हें पता है ना कि अगर नहीं कर पाओगे तो फेल हो जाओगे, ये तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, तो फिर क्यों नहीं पूरा एफर्ट कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? क्यों मतलब नीचे दब रहे हो? क्योंकि सिचुएशन हमेशा ऐसी होती है जो फेवरेबल नहीं होती, और फिर अगर फेवरेबल होगी तो फिर फाइट कैसे सीखोगे लाइफ में, समझो इस बात को। तो कहीं ना कहीं बेटा फाइट रहेगी, और ये रहेगी अभी 2-3-4 महीने, और उसके बाद भी तुम्हें आखिरी तक है। क्योंकि ऐसे दिन भी आते हैं जब पूरे पूरे दिन कुछ नहीं पड़ा, हो सकता है आज ही ऐसा दिन हो, तो उस दिन को कैसे तुम्हें करना है, तुम्हें बेटा वीकली टारगेट रखनी है, डेली का एक टारगेट बनाना है कि ये काम करके हटना है मैंने। कई बार ऐसा लेथार्जिक फील होता है कि यार उठने का मन नहीं करता कि किताब खोलूं, मन करता है थोड़ी देर गाने सुन लूं, थोड़ी देर YouTube देख लूं, थोड़ी देर ये कर लूं, मन करता है ये सबका। और ये भी मन करता है यार कि वो बाहर वाला जो बच्चा है वो देखो यार कितना मस्त खेल रहा है, कितना ज्यादा वो मतलब घूम रहा है फ्रेंड्स के साथ, फोटो डाल रहा है, ये मन करता है उन्हें देख कर। यार हम क्यों नहीं कर सकते? तुम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम उस चीज के लिए फाइट कर रहे हो जो अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हें मिलने वाली शायद नहीं थी। तुम उस चीज को अचीव करने के लिए मतलब फाइट कर रहे हो, है ना। तुम उस चीज के लिए फाइट कर रहे हो जिससे तुम स्पेशल बन जाओगे कुछ दिन के बाद। तुम वो व्हाइट कोट पहनोगे, मतलब डॉक्टर बनोगे, अपने पेरेंट्स के नजरों में, आसपास के लोगों की नजरों में स्पेशल हो जाओगे। तुम उसके लिए फाइट कर रहे हो, तो उसके लिए बेटा तुम्हें अलग तो होना ही पड़ेगा ना। तुम्हें वो हर दिन मतलब कहते हैं ना, खुद से लड़कर मतलब जीतना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा एफर्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज करो, है ना, हम भी आपके साथ हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज छूट जाएगी। अगर तुम देखोगे कि वर्कशीट जनरली कोई नहीं कराता, हम करा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीजें नहीं कराता कोई, हम करा रहे हैं आपको। तो ऐसी ऐसी चीजें करा रहे हैं आपको जो जनरली नहीं कराता, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े, आप क्वेश्चंस कर पाओ। आपको एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़ रहे हैं क्या? नहीं छोड़ रहे। तो हम भी आपके साथ पूरा संघर्ष कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं, आप भी तो कर लो यार।